नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्नेल के नियम आजकल रूटी में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको स्नेल के नियम को सिर्फ 2 से 3 मिनट में पूरा समझा देता हूं। ध्यान से देखिएगा, इससे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो कि डायग्राम बेसिस होते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्नेल के नियम को समझना। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, ये जो मेरा स्नेल का नियम लिखा है ना, ये किसके लिए वैलिड है? ये परावर्तन के लिए लगता है कि अपवर्तन के लिए? तो याद रखना, स्नेल का नियम सिर्फ और सिर्फ अपवर्तन के लिए वैलिड है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, कह देना अपवर्तन के लिए। अपवर्तन में क्या होता है, माध्यम बदलता है। जैसे कि देखिए, मेरा पहला वाला डायग्राम जिसमें मैंने नीचे विरल माध्यम ले रखा, और विरल माध्यम का मतलब है माध्यम नंबर 1, और ऊपर मैंने सघन माध्यम ले लिया माध्यम नंबर 2। तो मान लीजिए प्रकाश मेरा विरल से सघन की ओर जा रहा है, तो बच्चा जब भी कभी प्रकाश विरल से सघन की ओर जाता है, दैट मीन्स प्रकाश विरल से सघन की ओर जा रहा है। देखिए, तो हमेशा ध्यान रखना, जब विरल से सघन की ओर जाता है ना, तो हमेशा अवलंब के पास मुड़ जाता है, सीधे नहीं निकलता। निकलना तो चाहिए था सीधे, लेकिन बच्चा वो सीधे नहीं निकलता, थोड़ा सा अवलंब के पास की ओर झुक जाएगा। देख लीजिए, तो प्रकाश जब भी तभी विरल से सघन की ओर जाएगा तो हमेशा अवलंब की ओर। ये तुम्हारा क्या है, तो कहना ये सर तुम्हारा नॉर्मल है, इसी को हम लोग बोलते हैं अवलंब। तो अवलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ बच्चा कि अगर ये एंगल मैं अपनी तरफ से आई कह दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण, तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ आर होगा अपवर्तन कोण। हिंदी में इसको आपतन कोण, इसे अपवर्तन कोण। ओके, तो दोनों बराबर नहीं है, जबकि परावर्तन में ये दोनों बराबर होते हैं। तो याद रखना, जब विरल से सघन जाता है तो आर कम हो गया, अर्थात आई का मान आर के मान से ज्यादा है। बोलो दोस्त, तो ये कंडीशन तब होती है जब विरल से सघन माध्यम की ओर जाए। मैंने अभी आपको स्नेल का नियम नहीं पढ़ाया, अभी मैंने जस्ट आपको बताया। अब आगे क्या होता है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। अब सवाल यह है कि हमने विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 इसलिए माना क्योंकि हमने वहां 1 है, तो यह μ1, 2 है μ2। स्नेल का नियम एकदम आसान है, कुछ नहीं करना दोस्त। स्नेल के नियम में बस एक बात का ध्यान रखना है तुम्हें, एक बात का ध्यान रखना है, और वो बात ये है कि जहां कहीं तुम्हारा μ1 दिखाई दे तो उसके साथ जो एंगल लगाया जाएगा वो साइन आई येला, और μ2 है तो साइन आर। मतलब जहां का अपवर्तनांक वहीं का एंगल, बराबर जहां का अपवर्तनांक वहां का एंगल, बस इतना ही है। अर्थात अगर मैं पूछूं स्नेल का नियम क्या है, तो कहना स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार आप कह सकते हो कि μ1 साइन आई और बराबर कह सकते हो μ2, ऊपर वाला μ2 और साइन आर। बस इन्हीं दोनों को हमें बराबर करना होता है। अगर आपने इन दोनों को बराबर करना सीख लिया तो आपके कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपका नहीं बनेगा। μ1 साइन आई यानी जहां का अपवर्तनांक वहां का एंगल, बराबर μ2 साइन आर। हमें वो μ1 μ2 बराबर साइन आई बटे साइन आर नहीं पढ़ना भैया, ये पढ़ो, ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये तरीका आपको तब लगाना है जब हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहे हैं। आते बस देखिए दूसरा वाला केस, मान लीजिए आप सघन से विरल जा रहे हो, तो मैंने सघन माध्यम को इस बार 1 मान लिया, विरल माध्यम को इस बार मैंने 2 मान लिया, विरल माध्यम को इस बार मैंने 2 मान लिया। अब होता क्या है कि जब प्रकाश सघन से विरल जाती है, जब प्रकाश सघन से विरल जाएगी, तो सघन से विरल जाते समय अवलंब से दूर हटती है। दूर हटने मतलब जाना तो चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे न जाते थोड़ा सा दूर हटती है ऐसे। ओके, तो ये तुम्हारा एंगल उसी तरीके से एंगल आई बन जाएगा, ये एंगल तुम्हारा एंगल आई बन जाएगा, और ये एंगल तुम्हारा एंगल आर बन जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण। ठीक है, आप लोग इसमें भी स्नेल का नियम लगा सकते हो, कुछ नहीं करना। यहां का अपवर्तनांक μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर है, लेकिन इसमें देखो आई और आर बराबर नहीं है। हाँ दोस्त, इस बार क्या होगा, इस बार आई छोटा है आर बड़ा है, इस बार आई छोटा है आर बड़ा है, ये देखो। ठीक है, लगाना आपको एक ही बार नियम है, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्नेल का नियम समझ में आया होगा। स्नेल का नियम अपवर्तन के लिए वैलिड है, या फिर आप कह सकते हो कि बच्चा ये लेंस के लिए वैलिड है। क्यों, क्योंकि लेंस में ही अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आप अपवर्तन के नियम को ही समझ सके। जैसे कि आपके सामने देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है,
और इस एग्जाम्पल से हम लोग बड़े आराम से स्नेल के नियम समझेंगे। सवाल लिखा है कि दिखाए गए चित्र में कांच का अपवर्तनांक बताओ। अब कांच कहां है तो कहना कांच नीचे और हीरा ऊपर है। अब ये सारा कुछ डायग्राम बना हुआ है, सारा कुछ डायग्राम बना हुआ है, तो म्यू वन का मान तुम्हें पूछा जा रहा है, यानी कांच का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। म्यू टू तुम्हें दिया है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 45, अरे है ना, तो लगा दो जल्दी से स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, तो कहना स्नेल का नियम आपने सर मास्टर ये बताया कि जहां का आपको अपवर्तनांक पता हो वहीं का एंगल रखिए, यानी म्यू वन के साथ आपको साइन 60 रखना पड़ेगा, म्यू वन के साथ आपको साइन 60 रखना पड़ेगा बराबर, और म्यू टू के साथ आपको रखना पड़ेगा साइन 45, म्यू टू के साथ रखना पड़ेगा साइन 45 है ना। चलो मान रखते म्यू वन का मुझे मान निकालना है, साइन 60 कितना होता है, कहना साइन 60 हो जाएगा तुम्हारा रूट 3/2। म्यू टू का मान कितना है तो कहना म्यू टू है तुम्हारा 3 और साइन 45 होता है 1/√2। बस जल्दी से इस मान को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद फटाफट जल्दी से देख के बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 × 6 ऊपर बटे 3 × 6 लेके √6, अब ऊपर 6 है नीचे √6, यानी यहां से म्यू वन का जो मान आ जाएगा वो √6 आ जाएगा। तो फाइनली आपको पता चला कि म्यू वन बराबर हो गया √6। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग स्नेल के नियम को लगा सकते हो। एक चीज और पूछी जाती है आपसे, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। कई बार क्या आता है कि एक अपवर्तनांक के सापेक्ष दूसरे अपवर्तनांक पूछा जाता है, तो जब भी कभी हम लोग 1 μ1 2 लिखते हैं, 1 μ2 लिखते हैं, 1 μ2, तो इसका मतलब होता है एक के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, 1 μ2 का मतलब होता है माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो जिसका अपवर्तनांक होता है वो हमेशा ऊपर होता है, यानी μ2 ऊपर होगा और μ1 नीचे। आप इस बात को ऐसे भी याद कर सकते हो मेरे दोस्त कि जिसके सापेक्ष पूछा जाए वो हमेशा नीचे और जिसका पूछा जाए वो हमेशा ऊपर। तो पता है आप इसको क्या पढ़ोगे, μ2/μ1 को क्या पढ़ोगे, माध्यम एक के सापेक्ष सुनना माध्यम 2 का अपवर्तनांक। बोलो ओके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, आपने चीजें समझी कि नहीं समझी, स्नेल के नियम को अप्लाई करना सीखे कि नहीं सीखे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।